नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज बांसी डिस्ट्रिक्ट बांदा में टीचर हूं और आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई 360 डिग्रीज में। फेज फर्स्ट जो है वो 8 अगस्त से लेकर 13 अगस्त के बीच में समाप्त हो गया, जिसमें जो है यूपी में लगभग 166,000 स्टूडेंट ने उसमें एग्ज़ाम दिया था। और बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा था कि 20% छात्र उसमें जो है अनुपस्थित हैं। अप्रॉक्स 20% छात्र, इतनी बड़ी संख्या में छात्र अब्सेंट हैं। और ऐसे छात्र जो अब्सेंट हैं उनका जो रिजल्ट आएगा उसमें -1 शो करेगा या फिर 0-0 शो करेगा या फिर अब्सेंट शो करेगा। तो ऐसे छात्र जो अब्सेंट हैं उनको जो है फिर से बैक का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और वैसे भी सरकार जो है आप लोगों को फ्री में पास करने की सोच रही है, आप लोगों के इतना आसान क्वेश्चन पेपर दे रही है। पहले जो है ईडी का पेपर ऑफलाइन हुआ करता था, अब उसको जो है ऑनलाइन 6 क्वेश्चन कर दिया है, वर्कशॉप के क्वेश्चन घटा दिया है और साथ में थ्योरी के ही क्वेश्चन घटा दिया है। तो सरकार ऑलरेडी ऐसा पैटर्न बना रही है जिसमें आप आसानी से पास हो जाएं, उसमें भी जो है 20% छात्र जो है एग्ज़ाम छोड़ देते हैं। बड़े दुख की बात है ये। अगर ये छात्र एग्ज़ाम देते तो निश्चित तौर पर इनमें से लगभग 19% तो छात्र जो है और पास हो ही जाते हैं। तो ऐसे छात्र पूरी रिपोर्ट में आपको दिखा देता हूँ कितने छात्र सम्मिलित थे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 8 से 13 अगस्त के बीच में पूरा कंसोलिडेटेड डाटा है, जिसमें रजिस्टर्ड ट्रेनी थे वो 166,216 ट्रेनी का जो है एग्ज़ाम था, जिसमें प्रेजेंट हैं 133,623 ट्रेनी जो हैं जो छात्रों में प्रेजेंट हैं। अब्सेंट छात्रों की संख्या 33,593 छात्र है। तो ऐसे छात्र जो अब्सेंट हैं अब उनका एग्ज़ाम दोबारा कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कब नोटिफिकेशन आएगा, कितना समय लग सकता है उसमें, 6 महीने, 8 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 1 साल भी लग सकता है, क्योंकि पिछली साल जो बच्चों के पेपर छूट गए थे या फिर जो अब्सेंट हो गए थे या जिसकी बैक थी उसके पेपर अभी भी नहीं हुए हैं, उसको 6-7 महीना हो गया है। तो ऐसे में आप लोग जो है बिल्कुल भी जो सेकेंड फेज में जिसका एग्ज़ाम है बिल्कुल भी अपने पेपर ना छोड़ें। अगर आप लोग जो है 1 साल की आईटीआई आपकी है या फिर 2 साल की आईटीआई है, अगर पेपर छोड़ देंगे तो 1 साल की 1.5 साल या 2 साल लग सकता है, 2 साल की आईटीआई को 3 साल लग सकता है। तो ऐसे में आप लोग जो है पेपर ना छोड़ें, मेरी यही विनती है सभी छात्रों से। और जो अब्सेंट की संख्या 20% है इसको घट के अब 4-5% रह जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो यहाँ पर आईटीआई की परीक्षा छोड़ रहे हैं, तो ऐसा भी बहुत सारे बच्चों के साथ है, तो उनके साथ जेन्युइन प्रॉब्लम है। बाकी जो जानकारी के अभाव में जिसकी परीक्षा छूट जा रही है उन छात्रों से मेरा यही कहना है कि आप लोग मेरे चैनल पर विजिट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर ऑल पर प्रेस कर लीजिए, आप में से किसी की परीक्षा नहीं छूटेगी। आशा करते हैं ऐसे स्टूडेंट जिनकी परीक्षा छूट गई है अब वो नेक्स्ट अपडेट के लिए जो है वेट करेंगे। अगर उनकी परीक्षा होती है, कोई नोटिफिकेशन सरकार से आता है तो मैं बताऊँगा। और इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरा निवेदन यही है कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हों। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।